तो सवाल एक है, जवाब ये दे रहे हैं कि जब मैंने घुसकर आतंकवादियों को मारा, मैंने देखा कि आप घुसकर मारे, यानी आप कमांडो बन गए थे, आप एयरक्राफ्ट के पायलट बन गए थे, आप बंदूक लेकर घुस गए थे, आपने गोलियां थोप चलाई, ये आप कहां से आ गया? हिंदुस्तान के वजीर आजम, इतना तो मत गिर जाओ कि जो हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी तुम अपने कंधों पर ले लोगे क्या? हमारे बहादुर एयरफोर्स के पायलट की कुर्बानी आप अपने कंधों पर ले लोगे? और यहां के मुख्यमंत्री ने कहा था ना, मोदी की सेना, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था उनको एक नौ 72 घंटे उनको खामोश बैठना पड़ा। मुझे नहीं दी गई अब तक नोटिस माशाल्लाह, ना मुझे दी जाएगी, क्योंकि मैं लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। आप बताइए मेरे भाई, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, चौकीदार हैं, और हिंदुस्तान के बहादुर पायलट और सेनाओं के कुर्बानियों का इकरार नहीं करते और कहते मैंने किया, आपने क्या किया? हम बताते हैं आपको, आपने नौजवानों के ख्वाबों को तोड़ दिया। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, आप सोचिए कि बैठे हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम, एक मोहतरमा टीवी के एंकर बैठे हैं, वो बेचारे इतना मोदी से देखकर उनको मखलूब हो जाती है और कहते मोदी जी मुझे पूछने दीजिए। मैंने समझा कि शायद नौकरियों का सवाल करेंगे, मैंने समझा कि शायद ये जो चीफ मिनिस्टर ने ठोकने की बात की उसकी बात करेंगे, मगर कहा कि नहीं, मुझे ये पूछना पड़ेगा कि आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बताइए, मैं मीडिया वालों से भी कह रहा हूं, भाई 23 मई के बाद आप लोगों का क्या होने वाला है? ये तो नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, याद रखना मेरी बात को। इंटरव्यू ये है क्या? अच्छा, हम जब टीवी चैनल पर जाते हैं तो पहला सवाल कि आप भड़काऊ भाषण क्यों देते, यानी इनको ऐसा हमको देखते ऐसा लगता है इनको कि मैं इनकी जान लेने आया हूं, कि बस अब ये आया है इस पर टूटते हैं। एक अकेला मैं टीवी पर बैठता हूं तो चार चार हमला करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई, आपका बेटा, आपका भड़काऊ भाईजान सबर से बैठकर के साथ मुस्कुराते हुए इनका जवाब जब देता हूं तो बोलते आप मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं कहता हूं आपकी जली क्या? हम मुस्कुराना भी नहीं, हमारी मुस्कुराहट पर तुम फिदा होते हमको मानो, क्योंकि हमारे जैसा स्मार्ट और हैंडसम तो है ही नहीं, जिसके चेहरे पर दाढ़ी वही तो स्मार्ट है। मगर हम पे हमला टीवी का, माने एक मिनट नहीं गुजरता ऐसा दिखता है कि मैं इनका जान का दुश्मन बैठा हूं, और जब मोदी से मिलते हैं ये क्या है यार? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का आप इंटरव्यू देखो, जब ये टीवी के एंकर उनको लगा कि इनकी तारीफ में अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे, तो मोदी ने कहा कि तुम लोग अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे, मैं एक्टर से इंटरव्यू लूंगा। वो एक्टर को बुलाए और वो एक्टर भी क्या सवाल किया, वाह वाह, वो सवाल किया, मोदी जी आप आम खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? क्या बात है, आम का
उसके खाते तो कैसा खाते तू बता ना। आम खाते, पेड़ा खाते, गुलाब जामुन खाते, रसगुल्ला खाते, बड़े का खाते, छोटे का खाते। मगर इनसे पूछ रहे आप आम खाते काट के या चूस के? और हमारे प्रधानमंत्री इतना शर्मा रहे आए हैं, यानी मैं तो इतना नहीं शर्माया था जब मैं अपनी शादी के बाद अपने ससुराल को गया, इतना शर्मा रहे। अरे मैं बोला यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क की जमहूरियत को। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम का यही मामला। अच्छा ये एक और इंटरव्यू में बात का इंकशाफ हुआ, मोदी ने कहा कि मैं ओबामा से तू कहकर बात करता हूं। तू तू और तू, ये कौन सा तू तू है? इस समझ में नहीं आया कि ओबामा मेरे को तू कहते हैं और मोदी ने कहा, ओबामा ने मुझसे कहा कि मोदी जी आज सिर्फ 4.5 घंटे क्यों सोते हैं, ज्यादा सोइए ना। मेरा सवाल वजीर आजम से है, अगर आप 4.5 घंटे सोते हैं तो फिर पुलवामा में 50 किलो आरडीएक्स कैसा चला गया? अगर आप 4.5 घंटे सोते हैं तो सीआरपीएफ के हमारे बहादुर 50 सिपाही कैसे मारे गए? अगर तुम सिर्फ 4.5 घंटे सोते हो तो फिर तुमने नौजवानों को 2 करोड़ सालाना नौकरियां क्यों नहीं दी? अगर तुम सिर्फ 4.5 घंटे सोते हो तो फिर उत्तर प्रदेश में इतना खौफ का माहौल क्यों है? अगर तुम सिर्फ 4.5 घंटे सोते हो तो फिर तुम ट्रंप से क्यों डरते हो? ये ट्रंप से डरते हैं, ये खाली हमको देखकर बोलते मेरे पास 56 इंच का सीना है। मेरे भाई ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने कह दिया मोदी को, मित्रों ईरान से तेल खरीदना बंद करो। तो मोदी ने कहा ओके बस कबूल है। आपको मालूम कि जब हम ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे तो 2500 करोड़ का नुकसान होने वाला हिंदुस्तान को और 2500 करोड़ का बोझ हिंदुस्तान की आवाम पर आयत करने वाले हैं ये चौकीदार। अगर इनमें दिल होता तो वो ट्रंप को बोलते नहीं ट्रंप हम भारत का मामला अपने बलबूते पर तय करेंगे। अमेरिका बैठकर हमसे नहीं कह सकता कि हम कैसे मुल्क चलाएं, मगर मोदी को उस वक्त ट्रंप को कहने से डरते हैं हिंदुस्तान के चौकीदार। चौकीदार रहकर आप ट्रंप से डर गए। अगर आप वाकई में अगर आपको हिंदुस्तान से टूट मोहब्बत होती, उसकी सॉवरनिटी का लिहाज होता तो आप ट्रंप से 2 अल्फाज में कहते कि नहीं हो सकता, मैं हिंदुस्तान के गरीबों पर 2500 करोड़ का बोझ नहीं डाल सकता। मगर वहां पर हिंदुस्तान के गरीब याद नहीं आए, वहां पर एक अमेरिका का सुपर पावर इनको डर दिखा और डर गए ट्रंप से। मेरे भाई ये इनके कारनामे हैं। और फिर हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते हैं कि मैंने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ किया। अच्छा अब आप देखो ये लतीफा सुनो आप। अब हम बैरेज से चौकीदार से पूछ रहे हैं कि बीजेपी का त्रिपुरा का जो चीफ मिनिस्टर है, जो त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर है उनकी बीवी, उनकी मिसिस, उनकी बेगम कोर्ट में केस डाल के बोल रही कि मेरा शौहर मुझ पर जुल्म करता है। प्राइम मिनिस्टर अब बताओ क्या तुम त्रिपुरा के तुम्हारे चीफ मिनिस्टर की बेगम साहेबा
तुम्हारे चीफ मिनिस्टर के बारे में कोर्ट में अर्जी डाली कि मुझ पर जुल्म करते हैं, क्या आप दौरे दौरे जाएंगे उसके लिए? क्या आप उसके लिए कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। मगर वजीर आजम जब कहती हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहता हूं, मैंने पहले भी इस बात को कहा और आज भी कह रहा हूं कि मिस्टर मोदी, अगर आपको मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाना है तो जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, इकबाल बानो नाम की एक औरत जो 7 महीने की हामिला थी, आप चीफ मिनिस्टर हैं और आपके रियासत में उस बहन को, उस खातून को, उसके आंखों के सामने उसकी 16 महीने की बच्ची के सर को दीवार से मार कर उसको कत्ल कर दिया गया और 7 महीने की हामिला को उसकी आंखों के सामने उसके खानदान के 12 लोगों को शहीद किया गया, उसके बाद 10 लोगों ने मिलकर उस 7 महीने की हामिला की इज्जत लूटी, क्या ये बात झूठ कह रहा हूं मिस्टर मोदी? 2002 का वाकया और 2019 में 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको 50 लाख मिलने चाहिए। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद, जब 50 लाख अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिए क्योंकि उस औरत से नाइंसाफी हुई, हामिला है, इज्जत लूटी गई, हामिला है, उसकी बच्ची को मार दिया गया, उसके खानदान के 16 लोगों को कत्ल कर दिया गया, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाएगा। आज वजीर आजम चौकीदार कहते हैं, मुस्लिम महिलाओं से इनकी मोहब्बत की बात करते हैं, हम पूछना चाहते हैं क्या अखलाक की मां से इंसाफ होगा? क्या अखलाक की मां से इंसाफ होगा? चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की सभा होती है, जलसा होता है और जैसा आज आप यहां पर बैठे पहली सफ में, जिन पर अखलाक को कत्ल करने का मुकदमा है, जिन पर 302 का केस है, जिसने के इबादतगाह में जाकर ऐलान किया कि आओ आओ अखलाक के घर में गोश्त निकला, मारो उसको, वो लोग पहली सफ में बैठकर मोदी जिंदाबाद के नारे मार रहे थे। बताओ ये इंसाफ है आपका कि अखलाक की मां को इंसाफ मिलेगा? मेरे भाई, बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आसाम में शौकत अली एक आदमी है, गरीब है, 60-65 साल का है, उसका कारोबार है गोश्त बेचना 35 साल से, उसको रोक कर उस शरीफ को मारा गया कि तू गोश्त बेचता है, और फिर उसके मुंह में सूअर को डालकर कहा जाता है तू खा। किसकी हुकूमत है मिस्टर मोदी आसाम में? किसकी सरकार है? आपकी सरकार है और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाफिज जुनैद, वो 16 साल का नौजवान बच्चा जो तरावी की नमाज खत्म, कुरान करीम को खत्म कर चुका था, जो ईद की तैयारी में नए कपड़े लेकर जा रहा था, मार दिया गया, क्या उसकी मां को इंसाफ मिलेगा? बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, जब पैगंबर-ए-अल्लाह के नाम पर आप बुलंद बांग दावे करते हैं तो बताओ क्या जुनैद की मां को इंसाफ मिलेगा? करत पर खान को इंसाफ मिलेगा? क्या पीरू खान को इंसाफ मिलेगा? मेरे भाई, दास्तान लंबी है, बहुत से वाकयात हैं। मैं दोबारा उसी जुमले पर जा रहा हूं कि जब आपकी एक आजाद आवाज होगी, जब आपके वोटों से आपका नुमाइंदा जीत कर आएगा, तभी तो कोई लड़ेगा ना। क्या तुम नहीं देखे? तुम्हारी आंखें नहीं देखी? क्या तुम्हारे कान नहीं सुने कि जब हिंदुस्तान की लोकसभा में 3 तलाक का कानून बनाया जा रहा था, जब शरीयत में मुदाखलत हो रही थी, जब हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ कानून बनाया जा रहा था,
कौन उठकर उस कानून की मुखालिफत किया, कौन उठकर कहा हिंदुस्तान के वजीर आजम की आंखों में आके डालकर कि तुम जो कानून बनाने जा रहे हो वो हमारी मुस्लिम खवातीन से नाइंसाफी का बाइस बनेगा, वो संविधान के खिलाफ है। मेरे भाई वो कोई नहीं था, वो आपका दीवाना असदुद्दीन ओवैसी था। मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अकेला पड़ गया, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बीजेपी के लोग मुझ पर ताना मार रहे थे, मुझ पर कह रहे थे ओवैसी तुम जो तरमीम पेश किए वो तुम उसमें शिकस्त खाओगे। कांग्रेस के लोग मुस्कुरा रहे थे, मैंने तरमीम सिर्फ इतनी पेश की कि जहां पर मुस्लिम खातून का नाम लिखा हुआ है तुम वो निकाल दो और सिर्फ लफ्ज खातून रहने दो, वुमन रहने दो। मगर मेरे भाई कोई साथ नहीं दिया, ना कांग्रेस ने साथ दिया ना बीजेपी ने साथ दिया। मैंने अपनी तरमीम को पेश किया, 400 वोट खिलाफ गिरे और मैं अकेला अपने लिए वोट डाल दिया। मुझे यकीनन तकलीफ हुई मगर मायूसी नहीं हुई। तकलीफ इसलिए हुई कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पंचायत में कोई एक भी नहीं था जो मेरी बात को समझ सके, कोई एक भी नहीं था जो मुझसे साथ दे सके कि देखो तुम हमारी शनाख्त को खत्म करना चाह रहे हो। अगर हम अच्छे या बुरे हैं, गुनाहगार हैं या तख्वा है, परहेजगारी है, ये तो रब जानता है। मगर अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी जैसा गुनाहगार भी हूं, मगर मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी शनाख्त को मिटा दो, तुम मेरे कानून को खत्म कर दो। अरे जिसके नाम का सदका हम खाते हैं, जिससे पहचान अल्लाह ने हमको दुनिया में दी है, अगर तुम उस पहचान को खत्म कर दोगे तो फिर हम तो जिंदा लाश भी नहीं कहलाएं। मेरे भाई वो ट्रिपल तलाक का कानून का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं बार बार तुमको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं बल्कि सच्चाई बयान कर रहा हूं कि पैसे दिए एक बेटे के मैंने अपने हाथों से अपने बाप को कब्रस्तान में कब्र में उतारा। मुझे उस दिन इतनी तकलीफ नहीं हुई जिस दिन हिंदुस्तान की पंचायत में इस तरह का कानून बनाया जा रहा था। और अगर मेरे हौसले बुलंद की आवाज भी है, मैं तकलीफ का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपनों के दरमियान में हूं, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर अपने दिल की तकलीफ को बयान कर रहा हूं और तुमसे भीख मांग रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। और जो लोग बोलते हैं ना कि एक एमपी ने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी कि 540 के ऐवान में एक दीवाना तो खड़ा हुआ जिसने इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को जोड़ दिया।